हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। डीएसपी कह रहे हैं मामले को लेकर कि मृतक छात्र राजीव गांधी नगर में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। छात्र के कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के कोटा आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो साल 2023 में 24 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड के डरावने आंकड़ों के बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं और शाकिर से जान लेते हैं पूरी खबर क्या है शाकिर, और ये भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार की ओर से साफ तौर पर ये आदेश दिए गए थे कोचिंग संस्थानों को लेकर और तमाम स्टूडेंट्स को लेकर कि 16 साल से कम उम्र के जो छात्र हैं वो एडमिशन वो संस्थान में दाखिला नहीं ले सकते। तो ये बताइए दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या अभी जानकारी सामने आ रही है और छात्र जिसने सुसाइड कर लिया उसकी उम्र क्या है? ये देखिए, ये जो छात्र है मोहम्मद जैद, इसकी उम्र जो है करीब 17 साल है, लेकिन जिस तरह से कोटा में लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड के मामले सामने आते हैं, कुछ विराम जरूर लग गया था कुछ दिन, लेकिन ये जनवरी जो कि 2024 का जनवरी का पहला महीना है और इसमें जो है एक मामला और सामने आ गया है। ये मुरादाबाद का रहने वाला था और नीट का ये दूसरा अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था, यानी ये दूसरी बार नीट की परीक्षा में शामिल होने वाला था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि जो हॉस्टल है उसी में उसने फांसी का फंदा लगाया। जो उसके दोस्त हैं उनके साथ में वो शाम तक था, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ उसके बाद उसने दरवाज़ा नहीं खोला, और जब दोस्तों को संदेह हुआ तो उन्होंने खिड़की से जब देखा तो वो जो है सुसाइड की अवस्था में नज़र आया। तो हॉस्टल संचालक को भी बुलाया गया और पुलिस को भी मौके पर जो है बुलाया गया। फिलहाल जो है बच्चे के परिजन जो है कोटा पहुंच गए हैं, उसके चाचा जो है वो कोटा आए हैं मुरादाबाद से, और कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि पिछले साल भी 26 सुसाइड के मामले सामने आए थे और राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, तमाम गाइडलाइन को सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस हॉस्टल में भी अगर हम बात करें तो हैंगिंग जो डिवाइस है वो यहाँ पर नहीं मिला है। जो DYSP हैं जो भवानी सिंह, वो मौके पर पहुंचे थे, उनका कहना है कि इस हॉस्टल में भी जो है वो नियम कायदे लागू नहीं हो रहे जिस तरह की बात कही गई थी। तो हॉस्टल संचालक को भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये जो कोचिंग छात्र है ये ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहा था और कोटा में रह रहा था साल भर से, इससे पहले ये ऑफलाइन क्लासेज भी अटेंड कर रहा था, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, अप्रैल महीने में जो है नीट का एग्ज़ाम होना है, तो जाहिर तौर पर जो प्रेशर है वो साफ तौर पर इसमें बड़ा कारण हो सकता है। फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है कि आत्महत्या के कारण क्या रहे, क्योंकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।